जी सुनाते हैं आपको अपनी आज की कहानी। लो जी अपने मिनिंग व्लॉग में करते हैं वेलकम। तो आज तो ठीक 10:55 पर मेरे घरे ने मैंने उठा दिता। मेरे घर वाले ने मुझे उठाया और बोला कि जा पुत्र लस्सी ले के आ। लस्सी तो लेके आया तो ये मेरा छोटा कज़न मुझे मिला, इसे भी फॉलो कर देना, मैं आईडी मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद मुझे पता चला कि आज मुझे मेरे ससुराल जाना है, आज के दिन मुझे ससुराल जाना है। ससुराल वालों का दिया हुआ बाइक साफ़ किया और जल्दी से उसकी सफाई करना शुरू कर दी। बाइक को अच्छे तरीके से पोछे पोछे लगा के चंगी तरीके से साफ़ करके इसका फाइनल लुक देखा और तैयारी शुरू की। पहले मैं सोचा पहले कपड़े चेंज कर लें, टिक टाक कर लें स्टाइल, फिर कपड़े चेंज किए। चेंज करने के बाद माशाल्लाह मैं बहुत ही सोना लग रहा था। तैयार होने के बाद मैं उसका इंतज़ार करने लग गया जिसने मेरे साथ जाना था। दिन की सख्त गर्मी में हम निकले अपने ससुराल की तरफ। बाहर बाइक खड़ा किया, फाइनल लुक आपको बाइक दिखाता हूँ। बाल इधर ही खराब हो गए हैं, तो फिर चलते हैं सफ़र स्टार्ट करते हैं। और दिन के 12:30 सूरज अपनी पीक पे था और हमने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये गर्मी सिर्फ मुझे लग रही थी। और फिर बड़े प्यारे व्यू के मज़े लेते लेते हम बिल्कुल घर के उनके नज़दीक पहुंच गए। आने के बाद मैं भाई के साथ चप्पल लेने आ गया, और चप्पल लेने आया तो मैंने सोचा चलो अपनी भी एक ले ही लेते हैं। जैसे चप्पल ली, और मेरी इधर छोटी सी खुशी ये थी कि मेरा बाइक धूप में नहीं था खड़ा और अंदर एसी भी चल रहा था। और वापस आने के बाद मैं खेलने लगा इस बच्ची के साथ, और दिल में सोचने लगा कब ये सूरज घर जाएगा और मैं भी अपने घर जाऊंगा। दोपहर का खाना खाने से पहले मैं बहुत बोर हो रहा था और सोच रहा था आखिर मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और वो मुझे पता चला कि मेरी ज़िंदगी का मकसद आज शाम को वीडियो एडिट करके अपलोड करना है। बाकी आप लोग फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसके बाद दस्ती हमने घर आने की कर ली तैयारी। टाइम तो 6-7 हो गए थे, लेकिन सूरज अभी भी उसी तरह ही। हम निकले तो बाहर हुए थे, तो सोचा क्यों ना ज़्यादा दफ़ा कुछ खा पी लिया जाए। तो मैंने फैसला किया हम चलते हैं वापसी पर सीधा अलमीज़ान पर। और अलमीज़ान पर आने के बाद मेरा काफ़ी हर्षा हो गया, और इसके बाद मैं सोचा कि मैं सीधा ही घर जाऊँगा। घर आया तो घर में अम्मी ने बोला जा पुत्र दूध ले के आ, जो मेरा काम है। और उसके बाद मैंने अपने ससुराल का दिया हुआ 1.5 निकाला, किक लगाई और चला गया मोबाइल लेने। फ़ोन हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, उसका 2-3 जगह से रेट लिया और चले गए। फिर होलसेल की दुकान से जाके अपना फ़ोन ख़रीदा और फिर चले गए घर वापस। और आज के ब्लॉग को इधर ही करते हैं खत्म। आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलना।